माघ पूर्णिमा 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से शुरू हो रही है और 24 फरवरी को शाम 5:59 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के कारण पूर्णिमा का व्रत 24 फरवरी को ही किया जाएगा। अब आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कैसे करें और क्या है इसकी पूजा विधि। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। ध्यान रहे, अगर आप माघ पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो चंद्रमा अर्घ के बाद ही अपना व्रत खोलें। इस दौरान आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार दिन भर में केवल 2 बार ही करें। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अधिक महत्व है। आप नहाने के पानी में भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। मान्यता अनुसार इस दिन व्रती के परिवारजन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। वहीं व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें अर्घ दें। जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि डालकर चंद्रमा को अर्पित करें। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप आप अर्घ देते समय कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके सुख समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त हो। मन की स्थिरता के लिए चंद्रमा का सही रहना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।